हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ इन बातों पर ध्यान देने से ही आप किसी भी लड़की को चुटकियों में ही पटा सकते हो। तो आज के वीडियो इसी टॉपिक पे हैं और ये वीडियो ना उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जो किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए या उन्हें पटाने के लिए घंटों सोचते हैं। उन्हें नहीं समझ आता कि कैसे लड़की को अप्रोच करें, किस तरीके से बात करें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिन पर अगर आप ध्यान देते हो तो आप दुनिया की किसी भी लड़की को चुटकियों में ही पटा सकते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा लीजिए जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन सी वो 3 बातें हैं जिससे आप किसी भी लड़की को चुटकियों में ही पटा सकते हो। सबसे पहली जो बात है जो नॉर्मली अक्सर वो लड़के करते हैं जो लड़की को प्रॉपरली अप्रोच नहीं कर पाते हैं। कहने के मतलब थोड़े से शाई टाइप के होते हैं या जिन्हें लड़की से बात करने में नर्वसनेस होती है, प्रॉब्लम होती है, तो ये लड़के जो यही काम करते हैं कि वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर उन्हें कोई लड़की अच्छी भी लगती है ना तो सबसे पहले तो उनके दिमाग में यही आता है कि यार ये लड़की उनसे पटेगी कि नहीं पटेगी, कहने का मतलब है वो कैसे उनसे बात करेंगे, चलो कल बात कर लेंगे। अगर बात नॉर्मली हो भी जाती है तो फिर नेक्स्ट डे के बारे में सोचने लगे कैसे अप्रोच करें, कैसे बात करेंगे, ठीक है उसका रिएक्शन क्या होगा, ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो, 20% काम आपका वहीं पे हो जाएगा। क्योंकि आजकल के टाइम में मोस्टली लड़कियाँ ऐसे लड़कों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होने लगती हैं जो प्रॉपरली बात कर पाते हैं, मतलब कि अपनी बातों को कहने में कॉन्फिडेंट होते हैं, बिंदास होते हैं, खुलकर अपनी बातों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो ऐसे बनो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप भी दूसरों से बेटर हो, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कमी है, आप ये सोचो कि आप बेस्ट हो, ठीक है। हर इंसान अपने आप में बेस्ट होता है, ये चीज़ें अपने आप में दिमाग में लाओ तो इससे आप ये चीज़ काफ़ी हद तक कम कर लोगे। दूसरी चीज़ जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए या उसे अप्रोच करने के लिए हमेशा अपने दिल से नहीं अपने दिमाग से सोचो। क्योंकि दोस्तों देखो, जब आप दिल से सोचोगे तो उस टाइम पे आप नर्वस भी होगे, घबराओगे भी, आपको नहीं समझ आएगा क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। तो इससे बेटर है कि आप जो है अपने दिमाग का काम लो, ठीक है। दिमाग से अच्छे प्लानिंग करो किस तरीके से आपको बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर एक लड़की है जिसे पता है कि आप उसे नोटिस करते हो, देखते हो, बट जब तक आप उसे एक प्लानिंग के साथ उससे बात नहीं करोगे, उसके बारे में जानोगे नहीं, ठीक है, तब तक आप उसे नहीं इम्प्रेस कर सकते हैं। तो इसीलिए दिल से नहीं दिमाग से सोचो, अच्छे से प्लानिंग करो। और ये चीज़ होती भी है कि आपने सुना होगा कि लड़कियों को दिल से नहीं दिमाग से बढ़ाया जाता है, तो इसलिए हमेशा अपने दिमाग का यूज़ करो, अच्छी प्लानिंग करो जिसकी वजह से आप उस लड़की को अपने करीब ला पाओ। तीसरी चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि ये चीज़ जान लो कि लड़की 2 ही चीज़ों पर आपको एक तरह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, एक तो अट्रैक्शन के तौर पे हो गया और एक एडिक्शन के तौर पे हो गया। अगर आपको उसे करीब लाना है तो 2 चीज़ों पे फोकस कर दो। लाइक जैसे कि बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो एक तरह से ट्रू लव करती हैं 2 लड़कों की तरफ से, ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि लड़कियाँ ही हैं, दोनों ही जो रिलेशनशिप में हैं वो ट्रू लव इस वजह से करते हैं, बट ऑलमोस्ट ज़्यादातर रिलेशनशिप होते हैं वो इन्हीं 2 तरीक़ों से होते हैं, एक अट्रैक्शन और एक एडिक्शन। मतलब कि एक अट्रैक्शन के तौर पर जो होता है ना कि कोई इंसान आपको दिखने में अच्छा लग रहे हैं, ठीक है, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जा रहे हो, आप उसे पसंद करने लगे हो। और दूसरी चीज़ है आप किसी इंसान को अपनी आदत लगवा दो, उस बेसिस पे वो इंसान सिर्फ आपको याद करे जब उसे आपकी ज़रूरत हो, ठीक है, एक तरह से आदत लगवा देना, और जिसकी वजह से आपको उनके दिल में जगह बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।